दोस्तों, इस देश में बहुत से क्रांतिकारी नेता और बहुत से लोग आए और गए, जिन्होंने अपने अपने स्तर से देश व समाज को कुछ ना कुछ दिया। लेकिन जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने जो इस देश को, समाज को और हम सबको दिया है, वो हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत रत्न से नवाजे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम से भी लोकप्रिय हैं। भारतीय बहुयज्ञ विधि वेदता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बुद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए अधिकारों का समर्थन किया था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो संविधान बनाने का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। आखिर जब संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, तो अकेले अंबेडकर जी को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस दौर के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियां बताई जाती थी, जो विश्व में उस वक्त किसी के पास नहीं थी। वह इसके अलावा उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान भी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, एक पुत्र विद्वान, एक दार्शनिक, एक दूरदर्शी, एक मुक्तिदाता और एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों के मानवाधिकारियों को सुरक्षित करने के लिए कई सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया। वह सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक के रूप में सदैव खड़े रहे। देश को आजाद होने के बाद भारत का नया संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे और कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। संविधान का लिखित स्वरूप पेश करना ही इनकी जिम्मेदारी थी, जो इन्होंने बखूबी निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान द्वारा ही हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आया और भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति अपने में दूसरे की हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम हुआ, शिक्षा के महत्व को जाना और शिक्षा प्राप्त करने लगा। इसलिए हम इस चैनल के द्वारा ऐसे महान व्यक्ति को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।